आज हम बीटा थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे। बीटा थैलेसीमिया ऐसा क्लिनिकल क्वेश्चन के जैसा पूछ सकता है, लाइक अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड वॉज बॉर्न विद पेलार ग्रोथ रिटार्डेशन, हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑन एग्जामिनेशन देर इज स्प्लीनोमेगैली एंड विद अ माइल्ड जॉन्डिस। स्कल एक्सरे शोज हेड ऑन एंड कट क्रू अपियरेंस। तो जैसा भी ये क्वेश्चन पहले हम देख लेते, तो इसका मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। अब पूरे उसमें स्कल एक्सरे है, हेयर ऑन एंड, ये पूरे सिर्फ बीटा थैलेसीमिया उसमें दिखता है। एंड स्प्लीनोमेगैली, माइल्ड जॉन्डिस, पेलार ग्रोथ रिटार्डेशन, ये इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके कॉम्प्लिकेशंस, क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या प्रॉबेबल डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस एंड लैबोरेटरी टेस्ट। आज पूरा हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट, बीटा थैलेसीमिया, इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका डेफिनेशन, बीटा थैलेसीमिया बोलो तो क्या, डेफिशिएंसी प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन्स इन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में चार चेन्स रहते हैं, चार ग्लोबिन्स रहते, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये पहला इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स जो भी है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन थ्री टाइप्स रहते हैं। एक आके फीटल हीमोग्लोबिन, जब हम हमारे फीटल लाइफ में, अडल्ट हीमोग्लोबिन एंड अनदर वन इज अडल्ट हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन को HbF बोल के, अडल्ट हीमोग्लोबिन को HbA बोल के, HbA2 अनदर टाइप अडल्ट हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स एंड 2 लैम्डा चेन्स रहते हैं। अडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा एंड 2 बीटा, विच इज़ वेरी कॉमन। एंड HbA2, इसमें 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन्स रहते हैं। नव, ये बीटा थैलेसीमिया, दिस कैन बी कॉज बाई कंप्लीट, इधर कंप्लीट एबसेंट हो सकता बीटा, या तो फिर 2 बीटा के बदल 1 बीटा ऐसा प्रोड्यूस होता है, लाइक पार्शियल बीटा चेन डेफिशिएंसी। ये क्यों होता है डेफिशिएंसी बोले तो, बिकॉज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन हो। नेक्स्ट, ये बीटा चेन जो भी है, ये बीटा चेन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम 11। ये क्रोमोजोम 11 पे पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से इधर दे कुड बी डिक्रीज और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस। फर्स्ट, ये अब ये देखेंगे हम, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, राइट। इसमें क्या, अब देखो, बीटा प्लस बोले तो इट इज़ रिड्यूस्ड बोल के, बीटा ओ बोले तो इट इज़ कम्प्लीटली, बीटा इज एबसेंट है। तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे, अब एक्स एक्स मदर एंड फादर, मदर में एक बीटा पॉजिटिव, मतलब एक रिड्यूस्ड बीटा चेन एंड अ नॉर्मल, इसमें 2 बीटा है। एंड फादर में एक कंप्लीट एबसेंट एंड 1 बीटा इज नॉर्मल। अब इन इनके कैसा होते बोले तो, इसमें बीटा प्लस एंड बीटा एंड नॉर्मल बीटा चेन्स वो सब बच्चा रहता, तो दैट इज कॉल्ड बीटा थैलेसीमिया माइनर। लाइक प्लस एंड नॉर्मल इज कॉल्ड थैलेसीमिया माइनर। अगर सेकंड केस देखेंगे तो ए मदर एंड फादर में एक एक रिड्यूस्ड है एंड 1 पेरेंट इज कम्प्लीटली एबसेंट, एंड रिड्यूस्ड कम्प्लीटली एबसेंट। इन इस टाइप के पेरेंट्स में वी कैन सी लाइक चिल्ड्रन विद दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्ट, एक आपको कम्प्लीटली रिड्यूस्ड, लाइक बीटा बीटा प्लस एंड बीटा प्लस, बीटा जीरो बीटा जीरो। ये बीटा प्लस थैलेसीमिया इंटरमीडिया एक टाइप है, थैलेसीमिया माइनर एक टाइप, दिस इज सेकेंड टाइप, एंड कम्प्लीटली एबसेंट, दिस इज कॉल्ड थैलेसीमिया मेजर, बिकॉज इट इज हाईली डिफिशियंट, एकदम एबसेंट है इधर बीटा चेन्स, इसीलिए इसमें थैलेसीमिया मेजर रहता। फर्स्ट हम डेफिशिएंसी के बारे में देखेंगे। अब थैलेसीमिया डेफिशिएंसी है, थैलेसीमिया डेफिशिएंट होने की वजह से क्या, अब नॉर्मल ब्लड स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा एंड 2 बीटा रहना, इधर बीटा रिड्यूस हो गया, इस इधर 1 बीटा ही है। अब जो भी हमारे ब्लड में फ्री अल्फा चेन्स रहते हैं, ये आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं इधर फ्री अल्फा चेन्स। सो ये एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता बोले तो, इंट्रा सेल्युलर इंक्लूजन्स होता, इंट्रा सेल्युलर इंक्लूजन होने की वजह से 2 टाइप्स हो सकते, इधर इट कैन डैमेज द सेल मेम्ब्रेन,
ये जो भी हमारा आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन है इसका सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, या तो फिर एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस, या तो फिर कम्प्लीटली ये डिस्ट्रॉय हो जा सकता। अगर एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस होता तो ये आरबीसी, दीज आर डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस, जो भी पोलिसमैन है वो आके इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते एंड ये जाके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता। अगर सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुआ तो इट ऑल्सो लीड्स टू हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस इट कैन कॉज द स्पिल इन द हीमोग्लोबिन डायरेक्टली इन टू द प्लाज्मा। लाइक इसका मतलब मैं समझाती, अब हीमोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी ब्रेक डाउन होने की वजह से अब ऑक्सीजन लेवल्स भी कम हो जाते, इस लीड्स टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया रिलीज होने की वजह से अब बोन मैरो, क्या बोन मैरो में से आरबीसी प्रोड्यूस होता। जब बॉडी में आरबीसी का काउंट एकदम डिक्रीज होता तो बोन मैरो को सिग्नल जाते लाइक और ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस कर बोल के उस पर प्रेशर पड़ता। प्रेशर पड़ने की वजह से ये जो भी बोन मैरो है एबनॉर्मल आरबीसी प्रोड्यूस कर देता, उसकी जो भी है मैच्योर आरबीसी, इमैच्योर आरबीसी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, वैसा टाइप्स ऑफ आरबीसी को ये इंक्रीज कर देता। इंक्रीज करने की वजह से ये अबनॉर्मल आरबीसी फॉर्म होते, उसकी वजह से स्कल, फेस, लिवर, स्प्लीन ये पूरे एनलार्ज हो जाते। गॉट इट? नेक्स्ट, अब जो भी हीमोग्लोबिन है, अब हीमोलाइसिस हुआ, हीमोग्लोबिन पूरा ब्रेक डाउन हो गया, ये हीमोग्लोबिन जो भी ब्रेक डाउन हुआ ये जाके प्लाज्मा में मिल जाता। प्लाज्मा में मिलने की वजह से क्या होता, ये जो हीमोग्लोबिन, हीम क्या हुआ, हीम इज रिड्यूस्ड, हीम रिड्यूस्ड होके बिलरूबिन एंड आयरन। हमें और लाइक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हो, इट इज़ फॉर्म्ड बाय लाइक बिलरूबिन आयरन के वजह से फॉर्म होता। अब कंप्लीट हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो गया, वहने से बिलरूबिन एंड आयरन आर दिस आर ऑल्सो सेपरेटेड। ये अगर ज़्यादा हीमोलाइसिस होता, ज़्यादा हीम ज़्यादा एक्सेस में डैमेज हो रहा तो ज़्यादा बिलरूबिन एंड ज़्यादा आयरन भी प्रोड्यूस होता। इस ज़्यादा होने की वजह से ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की वजह से इंक्रीज द बिलरूबिन रहता ब्लड में, इट विल कॉज जॉन्डिस। अब आयरन भी ज़्यादा इंक्रीज होता, इट विल कॉज सेकेंडरी हेमेटोक्रोमेटोसिस, हीमक्रोमेटोसिस, सॉरी। अब नेक्स्ट, ये इसका पैथोलॉजी है, लाइक डेफिशिएंसी की वजह से क्या हुआ। अब हम थैलेसीमिया माइनर के बारे में देखेंगे, कैसा होता थैलेसीमिया माइनर, हमें कैसा मालूम होता बोल तो दिस इज एक्चुअली एसिम्प्टोमेटिक। ये बीटा सप्लीमेंट्स लेने की वजह से ये नॉर्मली क्योर हो जाता। अब प्रॉब्लम ये है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर की वजह से, बीटा थैलेसीमिया मेजर इट इज सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक। ये सिम्टम्स हमें क्या क्या दिखते बोले तो एनीमिया, ये पेशेंट एक पेल दिखता एंड ही दैट पर्सन विल बी हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड उसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। हम देखें ना, बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ये पूरे एनलार्ज हो जाते, सो हेपेटोस्प्लीनोमेगैली रहता एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस फॉर हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस बोले तो इंक्रीज इन द आयरन। ये इंक्रीज होने की वजह से एरिथमिया, लाइक अपार्ट फ्रॉम बीटा डेफिशिएंसी वील ऑल्सो हैव ऑल दिस एरिथमिया, पेरिकार्डाइटिस, डायबिटिस मेलिटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, सिरोसिस। नेक्स्ट, इसके बीटा थैलेसीमिया मेजर के सिम्टम्स ये। नेक्स्ट, इसमें हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन द स्कल एक्सरे, जैसे हम क्वेश्चन पेपर में देखे थे हेयर ऑन एंड, मतलब जब आप स्कल का एक्सरे देखते हो तो उसमें हेयर ऑन एंड इस तरीके में आपको उसका एक्सरे दिखेगा एंड यू विल ऑल्सो हैव एनलार्ज्ड चीक बोन्स एंड एनलार्ज्ड फोरहेड, तो उसके वजह से एक मंकी का फेस का जैसा, स्क्विरल का फेस का जैसा दिखेगा, चिपमंक फेसेस दिखते वो पेशेंट्स में। अब इसका कैसा डायग्नोसिस करेंगे बोले तो लाइक इसमें डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन काउंट, डिक्रीज इन MCV एंड डिक्रीज इन PCV, बट इंक्रीज इन द RBC डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज लाइक बोले ना अब नॉर्मल RBC प्रोड्यूस होता। अगर आप इसका ब्लड स्मियर देखेंगे तो माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस, न्यूक्लिएटेड RBCs अब ब्लड स्मियर में दिख सकते। क्यों बोले तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ, बोन मैरो उसको प्रेशर के वजह से इरेगुलर शेप्स में न्यूक्लिएटेड RBCs, छोटे छोटे साइज वाले
ज़्यादा पिगमेंटेड वाले, लाइक सॉरी लेस पिगमेंटेड वैसे आरबीसीज प्रोड्यूस करता। लैब डायग्नोसिस में अब ज़्यादा आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहा, तो यू कैन सी मोर अमाउंट ऑफ आयरन इन द ब्लड, मोर फेरिटिन एंड मोर ट्रांसफेरिटिन। नेक्स्ट, इसको कैसा कन्फर्म कर सकते बोले तो, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ये इस ए एक्सपेरिमेंट से यू कैन कन्फर्म इट वेदर इट इज बीटा थैलेसीमिया और नॉट। इसका क्लिनिकल फीचर्स सेम ही है, लाइक हेपेटोस्प्लीनोमेगाली दिखता, लिम्फेडिनोपैथी, एनलार्जमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ चीक बोन्स। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड।